नाउ वी आर स्टार्टिंग यूनिट नंबर वन, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कंसेप्ट जो है वो समझ लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर देखिए दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक है मोमेंट और दूसरा है इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट जो वर्ड है, मोमेंट, ये हमने प्रीवियसली मैकेनिक्स में पढ़ा था। मोमेंट क्या होता है हमारा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सिंपल, अगर सपोज ऐसे कोई फिक्स बीम है हमारा, ठीक है, यहाँ पे कोई लोड एक्ट हो रहा है, सपोज पी लोड एक्ट हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंस इसका एच लेता हूँ, ये एच डिस्टेंस पे पी लोड जो है वो एक्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं मोमेंट, मोमेंट एट ए लेते हैं, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, ये फोर्स लेते हैं हम लोग इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं, तो पी इंटू एच हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा होता है मोमेंट की कंसेप्ट, ये हमने मैकेनिक्स में प्रीवियसली पढ़ लिया था, ठीक है। अब सेकंड जो वर्ड यहाँ पे आता है वो है हमारा इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया एक बॉडी की ऐसी टेंडेंसी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहना चाहती है, वो अपोज करती है मोशन को, ठीक है। या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो अपोज करती है रेस्ट को, मतलब वो रेस्ट में आना नहीं चाहती है, ठीक है। तो कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, और वो मोशन से रेस्ट में आना जो है वो अपोज करती है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इनर्शिया। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि ये इनर्शिया क्या कंसेप्ट है रेस्ट कंडीशन में। तो एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम लोग इनर्शिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए एक रिक्वायर्ड है हमको, सबसे पहले एक ग्लास, उसके बाद में पेपर और साथ में एक कॉइन। तो ये हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये बॉडी है, ठीक है, और ये पेपर है। अब देखिए ये बॉडी जो है ये रेस्ट कंडीशन में है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके ऊपर में फोर्स अप्लाइड करने के बाद में ये बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहती है या फिर मोशन में आती है, ये हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको फोर्स अप्लाइड करते हैं, ठीक है। फोर्स अप्लाइड किया, अभी क्या हो गया, देखिए हमने पेपर के ऊपर में फोर्स अप्लाइड किया, पेपर मूव हो गया अपने डायरेक्शन में, लेकिन कॉइन जो है उसकी टेंडेंसी क्या थी, रेस्ट कंडीशन में रहने की, वो रेस्ट कंडीशन में ही थी और रेस्ट कंडीशन में ग्रेविटी उसके ऊपर अप्लाई हुई और वो जो है फॉल डाउन हो गया ग्लास में, लेकिन जो बॉडी थी वो रेस्ट कंडीशन में ही थी, ठीक है। तो इनर्शिया की कंसेप्ट यहाँ से हमको समझ में आती है कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहना चाहती है, वो फोर्स को अपोज करती है या फिर मोशन को जो है वो अपोज करती है। सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट के लिए हमको एक पेयर लगेगा, देन सेकंड स्केल ले लेते हैं, इसके अंदर इसको इंसर्ट कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये मैंने इंसर्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब देखिए ये पेयर्स है और ये स्केल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर में जो है वो लोड अप्लाइड करते हैं, ठीक है, स्केल के ऊपर में लोड अप्लाइड करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि इसके ऊपर में क्या एक्शन होती है, ठीक है। ठीक है, तो एक चीज यहां से हमको नजर आई कि ये जो पियर था ये ऊपर में मूव हो रहा है, ठीक है, जैसे हमने लोड अप्लाइड किया ये ऊपर में मूव हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो बॉडी है ये रेस्ट कंडीशन में ही है, ठीक है। हमने फोर्स किसके ऊपर में अप्लाइड किया, हमने ये रॉड के ऊपर में या स्केल के ऊपर में जो है लोड अप्लाई किया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये बॉडी के अंदर जो है वो पेनिट्रेट हो रहा है, ठीक है, ये जो स्केल है ये पेनिट्रेट हो रहा है ये बॉडी के अंदर में, बॉडी जो है वो रेस्ट कंडीशन में है। यहाँ से हमको समझ में आता है इनर्शिया की कंसेप्ट, ठीक है। कोई बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में ही है, वो अपोज कर रही है मोशन को, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स उसमें से पास हो जा रहा है, लेकिन जो बॉडी है वो रेस्ट कंडीशन में ही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका दूसरा नाम जो है वो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। अभी देखिए ये कंसेप्ट हमने समझी थी, मोमेंट जो होता है हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मतलब पी इंटू एच लिया था हमने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया की कंसेप्ट समझ लेते हैं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया की कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। अभी अगर हम लोग फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया की अगर बात करें, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया की अगर बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया वो हो जाता है हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं फोर्स को रिप्लेस कर देता हूँ एरिया के साथ में, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, एरिया बोला है इसने,
है ना, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, एरिया बोला है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये फोर्स को रिप्लेस कर देते हैं एरिया के साथ, मतलब क्या हो गया, एरिया मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया हमारा फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। अब क्या फाइंड आउट करना है हमको, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिनोट करते हैं हम लोग, वो आई से डिनोट करते हैं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो आई ले लिया हमने। देन उसके बाद में क्या बोला इसने, ये देखिए फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया जो था वो ए मल्टीप्लाइड बाय एच था, ठीक है। अब सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया जब लेते हैं हम लोग, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया हमारा क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारा एरिया मल्टीप्लाइड बाय एच, जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया था वो मल्टीप्लाइड बाय एच, ठीक है। तो एच से उसको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है। तो अभी ये हो गया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या हो गया, तो अगर बहुत सारे वहां पर बॉडीज है, ठीक है, और वहां से अपने को लेना है उसका डिस्टेंस, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, समेशन ले सकते हैं इसका, समेशन ऑफ एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बन गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ अल्जेब्रिक सम मतलब समेशन, प्रोडक्ट ऑफ किस किस का प्रोडक्ट बोला है उसने, पहला बोला है कि एरिया, ठीक है, एरिया, ये एरिया आ गया हमारा। देन उसके बाद में क्या बोला है, एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि ये जो हाइट है उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज h, उसका स्क्वायर। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से है, तो उसने क्या बोला है, रेफरेंस एक्सिस से, रेफरेंस एक्सिस से, मतलब कि सपोज अगर कंसिडरेशन में हम लोग ऐसे लेते हैं, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये y एक्सिस अगर ले लिया हमने, x एक्सिस y एक्सिस कोई कंसिडर कीजिए, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है, ये इसका एरिया हो गया, ये बॉडी है इसका एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ से जो इसका ये रेफरेंस एक्सिस है, इससे डिस्टेंस, ये रेफरेंस एक्सिस, ये अगर y ले रहे तो इससे ये जो h डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस जो है हमारा ये h है, इसका स्क्वायर बोला है उसने, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन ऑफ एरिया मल्टीप्लाइड बाय h स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब इसका यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यूनिट, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आप देखिए एरिया का यूनिट क्या होता है हमारा, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर में हो सकता है, mm स्क्वायर में हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकता है, और हाइट, हाइट, हाइट हम लोग लेंगे mm में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे या मीटर में लेंगे, उसका भी स्क्वायर है, मतलब क्या हो गया, ये इसका यूनिट हो सकता है mm रेस्ट टू द पावर 4 और मीटर रेस्ट टू द पावर 4 और सेंटीमीटर रेस्ट टू द पावर 4। तो एग्जाम में अगर हमको पूछता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कंसेप्ट के लिए हमने इतनी सारा अंडरस्टैंड कर लिया है, अगर आपको पूछता है कि डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सिंपल डेफिनेशन लिखना है ये स्टेटमेंट से कि समेशन है वो किसका, एरिया और हाइट का स्क्वायर, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमको लिखना है, और जो एच रहता है वो रेफरेंस एक्सिस से लेना है हमको, ठीक है। और एक स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट करते हैं, और उसका यूनिट, ठीक है, ये तीन चीज़ें लिखना है, पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर उसके बाद में सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया बोलते हैं वो लिख दो, और फिर उसके बाद में ये उसका फॉर्मूला और उसका यूनिट, mm रेस्ट टू द पावर 4, मीटर रेस्ट टू द पावर 4, सेंटीमीटर रेस्ट टू द पावर 4, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ है, अगर सपोज एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिलेटेड, अगर ये स्केल है, ठीक है, इसके ऊपर में अगर मैं सिंपली सपोर्टेड लोड अप्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखिए ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है ना, बेंडिंग मोमेंट आ जा रहा है यहाँ पर, बेंड हो जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये बॉडी का मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, ऐसे ओरिएंटेशन कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, अगर मैं इसके ऊपर में लोड अप्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये बॉडी एकदम स्टिफ हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे मैं लोड अप्लाइड कर रहा हूँ, तो लोड अप्लाइड करने के बाद में भी ये बेंड नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा हुआ कि अभी इसका हम लोग क्रॉस सेक्शन देखते हैं, ठीक है, एक्सिस जो पास हो रहा है ये यहाँ से पास हो रहा है, तो ये जो बॉडी है, बॉडी, ठीक है, अब ये बॉडी के जो जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वहाँ से एक्सिस जो है वो पास हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा मास कवर हो जा रहा है, ठीक है, इस वजह से डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट जो है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसे लेते हैं इसको, ठीक है, तो अब क्या हो गया, अगर एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, तो अभी ज़्यादा पार्टिकल्स यहाँ पर कवर नहीं हो रहे, ठीक है, तो इस वजह से बेंडिंग जो रहेंगी वो बेंडिंग इसकी कम रहेंगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा रहता है,
ठीक है, तो उसमें बेंडिंग जो है वो कम होगी। बीम का अगर एग्जांपल हम लोग ले, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ को थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है, ताकि लोड आ रहा तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे इसेंट्रिसिटी में रखते हैं उसको, ताकि लोड आए तो भी वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट ना हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, तो बेंडिंग मोमेंट जो है वो कम हो जाएगा। Thank you.